गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी सैटरडे आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर 8 इंटू ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 27 एंड ए इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 260। और हमें फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है, ये ए बी। तो ध्यान समझिएगा इसे, मुझे ए बी फाइंड करना है। तो दोस्तों मुझे इनमें से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना होगा। देखिए ये भी क्यूब है किसी नंबर का, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। तो मैं कुछ ऐसी आइडेंटिटी या ऐसा कुछ मेथड लगाऊं इसमें कि सबका क्यूब निकल जाए, ओके, सब अंडर क्यूब में आ जाए और वो अंडर क्यूब से बाहर उनके डिजिट आ जाए। तो चलिए अगर मुझे यहाँ पर दिखाई दे, ध्यान से देखूं मैं, तो यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए है। अगर मैं ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करता हूँ तो ए क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बी है और यहाँ बी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा। ओके, तो अब आगे देखें इसमें, अब इसमें हम आगे देखें तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। अगर मैं ये से वन मान लो और इसे टू मान लो, और याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि एलएचएस की मल्टीप्लाई एलएचएस से होती है एंड आरएचएस की मल्टीप्लाई आरएचएस से होती है। ओके दोस्तों, तो मुझे जो ये वाला पोर्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ये वाला पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अब जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ करूंगा, इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन अब आपको नहीं लगेगा इसको देखने के बाद। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो एज इट इज रहेगा, लीजिए मैंने 8 को ऐसे लिख लिया। अब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो क्या आ रहा है आजकल, ये आ रहा है। बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ रहा है आजकल, ये आ रहा है। और इसकी तो मल्टीप्लाई एज इट इज है, इसको मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए अब ए क्यूब इंटू बी क्यूब 27 और अपॉन में 8। अब यहां देखिए क्यूब दोनों का अलग अलग है, मीन्स ये जो लिखा है इसके बराबरी तो है, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो मैं ए बी लिखता हूं और जो इसका ये क्यूब है इसके अपॉन में, इसके अंडर क्यूब कर देता हूं इसको। इस तरह से, ओके दोस्तों, तो मैंने इस तरह से कर दिया। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए इस चीज का कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 6 का क्यूब क्या होता है 6 का क्यूब होता है ये। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो यह क्या आएगा, अब ये ए भी आ रहा है बराबर में इसके। जब मैं 27 को बाहर निकालूंगा तो 3 आएगा, 216 को बाहर करूंगा इसके तो ये 6 आएगा और इसको करूंगा तो 2 आएगा। ओके दोस्तों, तो अब ए बी की वैल्यू निकाल लिए हैं हमें, तो देखिए ये मैंने इसे कर दिया तो ये क्या आ गया, ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया जो कि इसका आंसर है। तो ऑप्शन में देखें दोस्तों तो ऑप्शन में क्या आएगा, ये हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन था आपके लिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मैं कल इसके रिगार्डिंग कुछ और समझाने की कोशिश करूँगा, कल हम एक क्वेश्चन लेंगे रिमाइंडर करूँगा। तो मिलते हैं आपको दोस्तों कल, धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए, जुड़े रहिए और खुशहाली के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको संडे मॉर्निंग।